नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपके पास वीआई की सिम और आपको उसमें इंटरनेट से रिलेटेड या नेटवर्क इशू चल रहा है तो आपकी जो प्रॉब्लम आज सोल्व हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपकी वीआई की सिम आप उसको अपने मोबाइल में स्लॉट नंबर डाल लेंगे। स्लॉट नंबर डालने के बाद सिंपली आपको चले जाना सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको करना क्या है, सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको फिर जहाँ पे आपने सिम डाली है सिम स्लॉट नंबर में, तो आप उस पर ओके कर लेंगे। फिर आपको एक्सेस पॉइंट नेम में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको राइट साइड में रिसेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से इसको रिसेट कर लेंगे। रिसेट कर लेने के बाद आपको प्लस के आइकन पे ओके करना है। न्यू आईपीएन पे फिर आपको सिंपली यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसे पेज खुल जाएगा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आपको सिम टू सिम मेरी तरह सेटिंग करनी है। अगर आप थोड़े से भी चेंज कर देते हैं तो आपका जो इंटरनेट है बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली आपको नेम में चले जाना है। यहाँ पे आपको लिखना है वीआई स्पेस इंटरनेट, फिर आपको लिखना है 4G, ओके कर लेंगे इस पर। फिर आपको चले जाना है एपीएन पे। एपीएन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है वीआई नेट, ओके कर लेंगे इसको। पोर्ट पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है 8080, ओके कर लेंगे इसको। यूजर नेम पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको करना है वीआई इंटरनेट, ओके कर लेंगे इसको भी। पासवर्ड को नहीं छेड़ेंगे, सर्वर पे चले जाएंगे www.google.com, ओके कर लेंगे इसको। MMS CMS प्रोक्सी MMS पोर्ट MCC MNC हमारा एरिया कोड है, इसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। आपका जो एरिया कोड है अलग है और मेरे एरिया कोड है जो अलग है। अगर आप मेरी तरह सेम टू सेम कर लेते हैं तो आपका जो इंटरनेट है बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। आपका जो कोड है आप उसको वैसे रहने दीजिए। फिर आपको सिंपली चले जाना ऑथेंटिकेशन टाइप पे। फिर आपको यहाँ पे करना है PAP और CHAP। APN टाइप पे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है डिफॉल्ट कोमा SUPL कोमा XCAP MMS, ओके कर लेंगे इसको। APN प्रोटोकॉल पे जाएंगे, IP4/IPA6 करेंगे। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में सेम प्रोसेस IP4/IPA6 करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग हमारी बैरियर है, बैरियर पे चले जाएंगे। यहाँ पे इसको अनस्पेसिफाइड से हटा देंगे। जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं सब पे ओके कर लेंगे। अगर आपके मोबाइल में इतने सारे ऑप्शन नहीं है तो सिंपली आपको LTE पे ओके कर लेना है। इसको ओके कर लेंगे, 3 डॉट पे जाकर इसको सेव कर लेंगे। हमारी जो APN है वो क्रिएट हो चुकी है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे और दोबारा आपको जहाँ पे आपने APN को क्रिएट किया उस पर ओके करके इंटरनेट का यूज़ करना है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।